अपनी फीडबैक दें और इसको जरूर ट्राई करें और हमें अपनी फीडबैक दें कि जो चस्सी कढ़ाई की रेसिपी तो टमाटर भी गल गए सारे हमने शेयर किया वो आपको कैसी लगती है। माशाल्लाह तैयार हो गई ये मैं तो व्यूवर्स ये है हमारी आज की रेसिपी का फाइनल लुक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल कुकिंग विद नाज़रीन को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएँ ताकि आपको मज़ेदार जो कुकिंग रेसिपीज़ हैं उनके नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें और नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो व्यूवर्स चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज के जो से हमारी रेसिपी है वो है चर्सी कढ़ाई और चर्सी कढ़ाई कैसे बनेगी इसकी तरकीब क्या है ये जानते हैं मामा से। जी मामा अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरी बहन भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हम बना रहे हैं चर्सी कढ़ाई। ये मैंने घी गर्म होने रख दिया, ये मैंने मुर्गी डाल दी है। हम मुर्गी को ना अच्छी तरह ना हम मतलब फ्राई करेंगे उसके बाद फिर हम टमाटर। तो मैं गई थी पेशावर काफ़ी देर हो गई है, उधर से मैंने खाई थी तो मैंने कहा मैं अपने बहन भाइयों को भी बताऊं मैंने खाई थी। मैं वैसे बना के ना आपको भी घर में तो मैंने कितनी दफ़ा बनाई है लेकिन तो आप लोगों के साथ मतलब हम लोग फर्स्ट टाइम इस रेसिपी को शेयर कर रहे हैं तो मैंने कहा मैं अपने बहन भाइयों से भी शेयर करूँ। तो अब इसे ना अच्छी तरह हमने ना हल्का ना ब्राउन करना है इसे। मतलब व्यूअर जो आसानी से हम मतलब दोबारा अगर आप लोगों के लिए एक दफ़ा रिवाइज करें वो ये है कि आप लोगों ने चर्सी कढ़ाई बनाने के लिए चिकन को जो है पहले वो फ्राई करना है इन सिंपल वर्ड्स यही है ना। हाँ तो हम लोग यहाँ पर पहले चिकन को फ्राई कर रहे हैं, कुकिंग ऑयल मम्मा ने कढ़ाई में डाल दिया है और आप मतलब जिस भी आप पैन में बनाना चाहते हैं आप उसके अंदर घी डालें और चिकन को जो सा है वो फ्राई कर लें। तो उसके बाद स्टेप बाय स्टेप देखेंगे बहुत ही मज़ेदार बनती है ये मतलब। लेकिन हमने आप लोगों के साथ रेसिपी को शेयर नहीं किया हुआ था तो सोचा कि आज आप लोगों के साथ भी इस रेसिपी को हम लोग शेयर कर दें। तो अभी करते हैं हम वेट और करते हैं इसको फ्राई और फिर आपको दिखाते हैं। तो व्यूवर्स आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखना कैसे नहीं करना हाँ उसमें इंग्रेडिएंट्स इंग्रेडिएंट्स भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत सिंपल है बहुत अच्छी बनती है। तो थोड़ा सा जो टेस्ट है वो डिफरेंट हो जाएगा आप लोगों का। और आपको मतलब चिकन अगर आपने बनाना है तो एक तरह का चिकन मत खाएं, इस तरह डिफरेंट जो सा वे से आप बनाएं हो तो इंशाल्लाह आपके घर वाले भी आपको दाद देंगे और जो सा आपका वो फ्लेवर है वो भी चेंज हो जाएगा। मेरी मम्मा की लाइक करने करते आलो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ये ज़रा अपना हाथ भी दिखा दो अपना पाला सा। आपने लिंक पहनी है, आपने चुइयाँ पहनी हैं। अच्छा ये दिखा दो दोबारा बोलो सबको कि ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें मम्मा की वीडियो को। ज़्यादा शेयर करनी है मम्मा की वीडियो को। लाइक भी करना है सब्सक्राइब भी करें हाँ जी और पूरी देखा करें वीडियो ठीक है। और आप पूछ लो कि आप लोगों ने ख़त्म दिलाया पूछ लो हाँ। अच्छा ख़त्म दिलाया हाँ। क्या आप लोगों से पूछो ना कि वो भी बताएं क्या क्या उन्होंने ख़त्म दिलाया 9-10 मुहर्रम का। हाँ हमने तो कर लिया ना ठीक है। अब जरा आप अपने कपड़े भी दिखा दो जरा अपनी ज्वेलरी दिखा दो आप। चर्सी कढ़ाई क्या बना रही है मम्मा? चर्सी कढ़ाई बना रही है मम्मा कहना ज़रूर बनानी है ज़रूर ट्राई करनी है आप लोगों ने हाँ जी। ये देखें जी ये हमारी हादी ने पहनी है रिंग कितनी प्यारी है ठीक है। ये इसने चुइयाँ और ये माला भी पहनी है इसने ये माला भी बहुत प्यारी है हमारे हादी की और ये सूट पे डिज़ाइन भी बहुत अच्छा बना हुआ है ठीक है। मेरा हादी बहुत पाला लग रहा है। चलो सबको कह दो मामा की वीडियो पूरी देखें लाइक भी करें सब्सक्राइब भी करें ठीक हो जी। तो व्यूअर्स अब आप लोग देख सकते हैं जो चिकन है उसका कलर थोड़ा चेंज हो गया वाइट हो गया इसका मतलब हल्का सा जो सा फ्राई हो गया खुशबू भी अच्छी आनी शुरू हो गई है। इसके अंदर हमने कोई भी इंग्रेडिएंट शामिल नहीं किया कुछ भी शामिल नहीं है जस्ट हम लोगों ने चिकन को फ्राई किया है लहसुन अदरक का पेस्ट और अब मम्मा ने इसके अंदर जो लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है और तकरीबन हम लोगों ने 1.5 चम्मच जो सा लहसुन अदरक का पेस्ट के अंदर शामिल किया है। अब आप लोग देख सकते हैं कि पहले हम लोगों ने सिंपल चिकन को फ्राई किया उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। और मम्मा इसके बाद आप क्या करेंगे? अब बेटा थोड़ा सा ऐसे भून लेंगे ना लहसुन अदरक को ठीक है भून के ना फिर मैं नमक भी डालती हूँ फिर ना टमाटरों की तो ये बनती है ना जी ज़रा थोड़े टमाटर ज़्यादा डालते हैं। ये 1 किलो से ज़्यादा था गोश्त अब ये आप समय लेके 1 किलो टमाटर डालेंगे ठीक है। व्यूअर जो मतलब मेन चीज़ है जो नोट करने वाली है ये कि हम लोगों ने कोई भी प्याज नहीं ऐड किया
जस्ट हम इसके अंदर जौन से हैं टमाटोज वो शामिल करेंगे, प्याज कोई भी हमने शामिल नहीं करना, प्याज नहीं डालना। जो चरसी कढ़ाई है वो टमाटरों के साथ बनती है, प्याज के अंदर नहीं डलता। और इसी तरह हम लोग, कोई मेरे बहन भाई पेशावर गए उन्होंने ज़रूर खाई होगी। हाँ मतलब अगर आप लोगों ने पेशावर कभी जाना हुआ है या आप लोग गए हैं या आप लोगों ने कभी चरसी कढ़ाई खाई तो आप लोगों को पता होगा कि मतलब वो किस तरह बनती है। उसके अंदर प्याज इस्तेमाल नहीं होते, जस्ट सिंपल इंग्रेडिएंट्स होते हैं और टमाटर होते हैं, इसलिए हम लोगों के अंदर टमाटर ही शामिल करने हैं। एक नमक का चम्मच बेटा अपने जायके के मुताबिक, जायका मतलब टू टेस्ट जो आप कम ज़्यादा उसको कर सकते हैं। लेकिन हमने आपको एक आइडिया दिया है, मतलब अगर 1 kg से ज़्यादा चिकन है आपने अगर ज़्यादा बनाना है तो जो स्पाइसीज हैं जो हम आपको बता रहे हैं उनकी मिकदार बढ़ाते जाए, अगर कम करना है तो उसकी मिकदार को कम कर लें। नहीं कई लोग नमक कम खाते हैं, ये भी है ना इसके पापा की वजह से भी हमें कम खाना पड़ता है, फिर मैंने ना थोड़ा सा डाल ही दिया, ज़्यादा था ना एक चम्मच डाल दिया मैंने। जब ये तैयार हो जाएगी ना फिर भूनेंगे ना इसे, तो फिर मैं काली मिर्च डालूँगी एक चम्मच। जो ब्लैक पेपर है वो हमेशा लास्ट पर ही डलता है, पहले कभी भी इसको नहीं डालते। ये मैंने वैसे हरी मिर्चें डाली हैं, देखिए कलर माशाल्लाह कितना प्यारा हो गया, खुशबू भी अच्छी आ रही है। अब मैं 5 मिनट भूनती हूँ और इसे लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है हमें, और इसमें थोड़ा सा घी ज़्यादा ही डालना पड़ता है क्योंकि इसे भूनना जो होता है तो फ्राई भी करना होता है चिकन। हाँ जी तो अभी इसको कवर कर देंगे हम। नहीं बेटा ये थोड़ा सा भून लूँगा, ये लहसुन अदरक का पेस्ट स्मेल ना आए। ठीक है तो देखा मेरी बच्ची कितनी प्यारी बातें करती है छोटी। हाँ कितनी प्यारी बातें की हमें छोटू ने, तो कपड़े भी दिखा दिए, इसकी ज्वेलरी भी दिखा दी है आपको। अब आप लोगों से कहना भी पूरी वीडियो देखनी है, सब्सक्राइब भी करना है और लाइक भी करना है हमारे वीडियो को। मैं वीडियो बनाने का ये ना भुनी गई ना ऐसे टमाटर रख देने, जब ये गल जाएंगे ना, हाँ जी जब ये गल जाएंगे ना तो फिर इनका ना मैं छिलका उतार लूँगी, ठीक है, क्योंकि इसमें टमाटर ही डालते हैं हम लोग चरसी कढ़ाई में। ये दो दो मैंने पीस किए हैं, हमने मैंने इसे ढक देती तो ये नरम होती है, पिन के छिलके उतार के ना फिर भूनते हैं। हाँ जी ये ना मैं छिलके उतार रही हूँ, ये देखें तो देख रहे कितने इजीली ये पील हो रहे हैं। तो इसको सिर्फ हम लोगों ने सिंपली दम पे रखा था और उसके बाद जो से जो छिलके हैं ये मम्मा इसको रिमूव कर रहे हैं। हाँ जी और ये ना सारे ना मैं एक रह गया, चलें ये भी हो गया। ओके दैट्स गुड, मैं ना सारे ने इन्हें नरम हो गए ना तो अब ये देखिए पानी भी कितना सारा निकल आया, तो अब ये भूनते हैं मतलब पानी खुश करेंगे अब इसका। हाँ जी पानी खुश करके ना फिर भून के ये टमाटर गल गए ना तो ये तोड़ देते हैं जो सख्त हैं टमाटर, तो भून के ना फिर काली मिर्च डाल के हमारी कढ़ाई तैयार है। ओके मतलब हम लोगों ने सिर्फ 2 स्पाइसेस इस्तेमाल किए हैं, जस्ट हम लोगों ने सिर्फ नमक ऐड किया है एंड आफ्टर हम उसके बाद जो उसके अंदर ऐड करेंगे वो है ब्लैक पेपर, दैट्स ऑल। इसके अलावा कोई और हमने नहीं, मतलब बस अब ना ये है कि गरम मसाला वगैरह तो कोई नहीं डालना ना हमने, मिर्चें सिर्फ काली मिर्च ना एक चम्मच में डाल दूंगी। हाँ जी ओके ठीक है हमारी हांडी तैयार, तो फिर ये चरसी कढ़ाई जो है वो इंशाल्लाह बनाए, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। ठीक है तो व्यूअर्स जब भी हम लोग इसके पानी को रिड्यूस करते हैं और आपको दिखाते हैं तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना हमारी आज की वीडियो को पूरा देखना है। ये ना समझे कि सारा पानी है, घी भी है, घी भी क्योंकि घी बहुत ज्यादा मैंने ज्यादा डाला। जिन लोगों ने हमारी वीडियो को शुरू से एंड तक देखा हमको पता होगा कितना ज्यादा मम्मा ने घी इसमें डाला, क्योंकि चिकन को जो हमने पहले फ्राई करना था और घी भी है और पानी भी निकला है तो टमाटरों का भी चिकन का भी है, जिसको रिड्यूस करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो अभी इसके अंदर बबल्स बन रहे हैं, पानी रिड्यूस हो रहा है लेकिन अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा, तो करते हैं वेट और फिर आपको दोबारा। ये तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि जौन सी चरसी कढ़ाई हम लोग तैयार कर रहे हैं। ये मैंने ना काली मिर्च पीसी भी डाली है, तो अपनी मर्जी से भी आप कम ज़्यादा डाल सकते हैं। लास्ट पे मम्मा ने के अंदर काली मिर्च जौन सी है वो ऐड की है और उससे पहले हम लोगों ने सिंपल इसके अंदर नमक डाला था और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, तो कलर भी इसका चेंज हो गया। प्याज हम लोगों ने बिल्कुल भी इसके अंदर ऐड नहीं किए, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने टमाटर डाले हैं और चरसी कढ़ाई में जौन से प्याज नहीं डलते, टमाटर ही डाले जाते हैं। जो मोटे मोटे हैं ना ये मैं दबा रही हूँ। चिकन जौन सा है तकरीबन वो भी हमारा काफ़ी हद तक गल गया है, अब बस घी आ जाए अच्छी तरह और भुनी जाए, फिर ना मैं हरी मिर्चें कटी हुई वो डालती हूँ इसमें, तो अदरक डाल के ना बस थोड़ी सी कसर रह गई इसमें, ये पानी खुश्क हो जाए थोड़ा सा।
बहुत ही माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त जिसका लुक है और खुशबू भी माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है, बहुत मजेदार सी। ये देखिए गोश्त भी गल गया, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जो सी तैयार हो गई है हमारी चरसी कढ़ाई, कढ़ाई के अंदर ही हमने इसको तैयार किया है। और लास्ट में मम्मा इसके अंदर डाल रहे हैं अदरक हरी मिर्च, माशाल्लाह इंशाल्लाह आप बनाएंगे जरूर आपको पसंद आएगी, ये पेशावर की मशहूर है चरसी कढ़ाई। तो आज कुकिंग विद नाज़नीन में हमने आपको सिखा दी है। तो व्यूअर्स अब आप लोग जिस तरह हमें बाकी अपनी फीडबैक देते हैं वीडियोस पर, इस पर भी हमें अपनी फीडबैक दें और इसको ज़रूर ट्राई करें और हमें अपनी फीडबैक दें कि जो चरसी कढ़ाई की रेसिपी तो टमाटर भी गल गए सारे हमने शेयर किया वो आपको कैसी लगती है? माशाल्लाह तैयार हो गई ये मैं तो व्यूअर्स ये है हमारी आज की रेसिपी का फाइनल लुक। तो व्यूअर्स ये है आज की रेसिपी का फाइनल लुक, इसके अंदर बबल्स बन रहे हैं और मज़ेदार से जो सी चिकन चरसी कढ़ाई है वो तैयार हो गई है। अगर आप लोग चाहें तो इसको मीट में भी बना सकते हैं ना, मतलब सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए, जस्ट यू कैन ईट द मीट रदर देन मतलब चिकन आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको बना लिया है, उसका ही बनाते हैं, ठीक है। तो ये तो होगी है फाइनल। तो व्यूअर्स लेते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।